अच्छा, ये आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह अल्ट्रासाउंड ऑफ अब्डामन करते हैं। सबसे पहले आपने एपिगैस्ट्रिक रीजन से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो ये देखें, ये है प्रो पोजीशन। इस तरह आपने रखना, सबसे पहले आपने यहाँ से, आपने फर्ज किया आप लीवर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप लेफ्ट लोग आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। आपने प्रोब को ऐसे स्लाइड करना है थोड़ा सा ऐसे, और इसको ऐसे घुमाना है। अब इधर देखें, इस साइड पे देखें, ये लेफ्ट लोब है। ये कौन सा है? लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। अच्छा, इसी को हमने थोड़ा सा इधर दिखाया मैडम नीचे, इसी को हमने स्लाइड करके हाइपोकांड्रियम के नीचे ले जाना है, ठीक है ना। इसको ऐसे ले आना है। अब लंबा सांस लो इस तरह। अब ये पोजीशन है सब कॉस्टल अप्रोच। इसी में हमने प्रोब रख के देखना है कि गॉल ब्लैडर वगैरह को। और ये आपको राइट लोब भी नज़र आ रहा है, इधर दिखाएं, ये राइट लोब है और ये है गॉल ब्लैडर। इसी में दिखाएं जरा, सब कॉस्टल अप्रोच ये होती है। यहाँ से स्टार्ट करना है आपने, ठीक है ना, ट्रांसवर्स में। और इसको ऐसा ऐसा ले कि आप इस तरह भी रख सकते हैं और इस तरह भी रख सकते हैं। पेशेंट को कहना लंबा सांस लो, लंबा सांस ले के रुकें। जब आप इस तरह कहेंगे तो ये गॉल ब्लैडर इजीली नज़र आएगा। ये दिखाएं जरा, ये देखें, ये गॉल ब्लैडर नज़र आ रहा है और ये सारा राइट लोब इजीली नज़र आ रहा है। तो ये प्रो पोजीशन जो है, इसकी मुख्तलिफ तरीके लीवर को देखने के लिए। तो ये है इंटरकॉस्टल अप्रोच। ये मैडम दिखाएं जरा, ये है कौन सी है? इंटरकॉस्टल अप्रोच में इधर दिखाएं, ये आ रहा है राइट लोब ऑफ द लीवर, ठीक है ना। इसी में हम गॉल ब्लैडर भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये गॉल ब्लैडर नज़र, लेकिन क्लियर नहीं आता गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को क्लियर देखने के लिए इधर करें, इसको हमने पेशेंट को लंबा सांस, लंबा सांस लो, इधर दिखाएं मैडम। ये देखिए, अब ये आप देखें, अब गॉल ब्लैडर कितना अच्छा नज़र आ रहा है। और ये वही सब का नीचे दिखाएं, सब कॉस्टल अप्रोच में आपने ऐसे रख के लंबा सांस लो, ये आपको गॉल ब्लैडर बहुत अच्छा नज़र आएगा। यहीं से आपने राइट लोब भी देख लेना है। और इसको थोड़ा सा ले आएंगे एपिगैस्ट्रिक रीजन में इस तरह, तो ये आपने लेफ्ट लोब भी देख लेना है। और ये आपको पैंक्रियाज भी यहीं पर नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से ये क्या है? ये अल्टर, ठीक है ना, ये प्रोसीड कर रही है। तो आपने लेफ्ट लोब देख लिया, इधर दिखाएं मैडम, ऐसे स्लाइड करना है थोड़ा सा प्रोब को, ऐसे थोड़ा सा ऐसे और ऐसे। जब ऐसे स्लाइड करेंगे तो आपको लेफ्ट लोब पूरा नज़र आएगा। और जब इसको प्रोब को इधर दिखाएं, ऐसे ले आएंगे ना सब कॉस्टल अप्रोच में इस तरह, तो आपको राइट लोब और गॉल ब्लैडर बहुत अच्छे नज़र आएंगे। ये देखें, इस तरह आपने राइट लोब देख लेना है, गॉल ब्लैडर देख लेना है और लेफ्ट लोब देख लेना है। उसके बाद हम देखते हैं किडनी, तो करवट लो उस तरफ। ये देखिए, तो इसको ना हम इस पोजीशन में रखें, ठीक है ना। इसको हमें ऐसे स्लाइड करना है, ऐसा 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 ऐसा। लंबा सांस लो, रोको। ये देखिए कितना अच्छा नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे स्लाइड करना है, ठीक है ना। अब इसी पोजीशन में ये देखें किडनी, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है ना। इसी में हमने देख लेनी है, ये कार्टिक्स है, ठीक है ना, ये रीनल साइनस फैट है और ये पैरामिड्स हैं। यहीं से आपने सारी चीज़ें ले लेनी है इसकी, ठीक है ना। इधर नीचे है, अच्छा ये हो गया। इसी को अगर हम ऊपर स्लाइड करेंगे तो हमें लीवर नज़र आना शुरू हो जाएगा ऐसे। इस पोजीशन में आपने किडनी देखना है और थोड़ा सा ऐसे स्लाइड करेंगे तो यहाँ से लीवर नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, सीधा हो जाए। अब दोबारा एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमने पैंक्रियाज देख लेते हैं। लंबा सांस लें, रोकें, तो पैंक्रियाज हमें बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ये देखें, हेड बॉडी और टेल, थोड़ा सा इसको इधर दिखाएं, थोड़ा सा आपने इसको ऐसे ऐसे प्रोब को ना स्लाइड करना है। आप देखें अब कितना अच्छा नज़र आ रहा है, पैंक्रियाज दिखाएं तो। ये टेल है, ये बॉडी है और ये हेड है, ठीक है ना। ये आल्टा नज़र आ रही है और ये सप्रीनिक और सुप्रीमेजेंटेरिक वेन पोर्टल वेन बना रही है आगे, ये जाके ना, ये देखें, ठीक है ना। अब आपको दिखाता हूँ हेपेटिक वेन कैसे देखते हैं। नीचे कर लें, लंबा सांस लो, सब कॉस्टल अप्रोच में ऐसे रख के ना आपने देखना, सांस लेके रोकें, शाबाश, ये नज़र आ रही है, ठीक है ना। ये मिडल हेपेटिक वेन है, ठीक है ना।
राइट, मिडल और लेफ्ट, इसी अप्रोच में ऐसे रख के ना सब का लंबा सांस लो, रुको, ये आपने सारी इसकी एनाटॉमी देख लेनी है, गॉल ब्लैडर हो गया, हेपेटिक वेन और ये राइट लोब की लीवर, ठीक है ना, और ये डायफ्राम है, इधर नीचे करें, आप देख रहे हैं हमने ये प्रोस्टेट आ गया इसी पोजीशन में, और ये आ गया ग्रैंड ब्लैडर, ये दिखाएं जरा प्रो पोजीशन, ऐसे स्मूथली हमने इसको थोड़ा सा ऐसे सी कर, ये देख अब उधर दिखाएं, ये प्रोस्टेट और ये ब्लैडर, अब हम देखते हैं इसका लेफ्ट साइड, करवट लें बिल तरफ, लेफ्ट साइड पे ना आपने उसी पोजीशन में ऐसे इतनी देख देखो, लंबा सांस ले, रोके, आ रहे, अब इसको थोड़ा सा ऐसे रखेंगे ना और स्लाइड करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये हमें सफरी नजर आना शुरू, ये सफरी है, प्रो पोजीशन दिखाएं, ऐसे स्लाइड करके ना ऐसे ऊपर दिखाएं, ये ऐसे, अब इसको सीधा रखेंगे दोबारा उसी पोजीशन में, ये सफरी नजर आ रही है, ठीक है ना, अब इसको ऐसे थोड़ा सा स्लाइड करके ऐसे रखेंगे फिर के जी नजर आना शुरू हो जाएगी, इधर से दिखाएं, तो ये है बेसिक प्रो पोजीशनिंग, ठीक है ना, ये किडनी है, इससे थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो ये सफरी है, तो ये है सीधा हो जाए, ये है बेसिस ऑफ द अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन, तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एपिगैस्ट्रिक रीजन, चलो